एक छोटा सा प्रयास है जिस विश्वास से मुझे पंचायत चकनथल के नागरिकों ने और सांझी मोड़ के व्यापारियों ने मेरे पे जो भरोसा जताया था, जो विश्वास जताया था, और उस पे खरा उतरने का एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से किया गया है। मैं इसको कुछ ज़्यादा नहीं मानता। और दूसरा, आज जिस प्रकार का आप जानते ही हैं कि एक महान शख्सियत की आज जयंती है, उस जयंती पे उन्होंने, वो धरती पे आए, उन्होंने एक मैसेज स्प्रेड किया कि हमेशा जो है ज़रूरतमंद लोगों का साथ दीजिए। तो उसी पे चलते हुए हमने एक छोटा सा जो है पैसेंजर शेड और बाथरूम शौचालय जो है वो सांझी मोड़ चौक के बीचों बीच बाज़ार में दिया है। आपके काइंड नोटिस में ये फिर भी बात ला दूं, आपको पहले भी पता है सांझी मोड़ जो है वो कठुआ में नंबर दूसरे, आफ्टर कठुआ अगर सबसे बड़ी मार्केट कोई है तो वो सांझी मोड़ है। और चार यहाँ पे बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, पोस्ट ऑफिस, मतलब बहुत बड़ा व्यापार है यहाँ पे। और 70 साल से इस जो बेसिक जो सुविधा थी उसे हमें दूर रखा गया। और ये हमारी टीम वर्क, हमारी पंचायत के जो लोग अपने पंचीज, जो जनरल सेक्रेटरी हमारे साहब, जो ब्लॉक के अधिकारी, चाहे पुलिस के अधिकारी, जिस डिपार्टमेंट ने भी हमें यहाँ पे सहयोग किया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसे प्रत्येक कार्य, ये तो अभी शुरुआत है, 1.5 साल मुझे कोविड में मेरा वेस्ट हो गया, मुझे बड़ा खेद है कि मैं अपना समय जो है, जो भरोसा मुझे मेरी पंचायत ने दिया था उस पर खरा उतने में कुछ काम मेरे बाकी पेंडिंग रह गए हैं, अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। ये एक शुरुआत है और ये सब का श्रेय जो है मैं अपनी पूरी टीम को देता हूँ, अपनी पंचायत के प्रत्येक वो नागरिक को देता हूँ। आने वाला समय इससे और बेहतर हो, ऐसा हमारी ये कामना है, आगे हम ऐसा लेके जाएंगे। इस पर 3 लाख की लागत लगी है और 3 लाख की लागत में हमने, आप जानते ही होंगे कि बड़ी मुश्किल से CSC बनता है, पर हमारी टीम ने ये दोनों चीज़ें काम करके दिखाई हैं। आपके सामने ही है जो चीज़ बनी हुई है, आप देखते ही हैं। और इस पर मैं कहता हूँ फिर एक बार, मातृशक्ति महिलाएं, जब बुज़ुर्ग महिलाएं जो शौच के लिए बाहर आती थी तो हमारा दिल कहीं ना कहीं रोता था उस टाइम पे देखे कि अगर हमें सरपंच बनाया है तो किस लिए बनाया है, हमारे हाथ में भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और सेकेंड, मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं भूल गया बताना, कि ये उन पुराने नेता, जो नेता हमारे मडीन तहसील को रिप्रेजेंट करते थे, आज जो इस समाज में हमारे बीच में नहीं रहे, सरपंच त्यानचंद जी और सरपंच अपने पंडित जी मडीन से, जो आज हमारे बीच में नहीं है, भानु प्रकाश जी, ये उनको भी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने भी इस चीज़ के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, आज उनको भी एक सच्चे मायने में देखा जाए तो ये श्रद्धांजलि आज हमारी पंचायत द्वारा उनको दी गई है। मैं अपने लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पे भरोसा दिलाया है और विश्वास जताया है, आगे भी मेरे पे ऐसे आशीर्वाद बना के रखें, ये छोटे मोटे काम आपके होते रहेंगे। मैं थोड़ा एक दसना कि थोड़ा सारे ही पता है कि ये जगह जी एक सेंटर प्लेस है, कोट पुनू को लेइए इधर रायपुर तक, ये बिजनेस हब है, इतने सारे लोग आते हैं, मैक्सिमम क्या कि इतने यूरिन दिखने वाली गल है कि नैशनल हाईवे घगवाल नहीं है, हीरानगर नहीं है, दयाले चक नहीं है, चढ़वाल नहीं है, राजबाग नहीं है, शनि नहीं है। ये साढ़े युवा सरपंच राहुल हंसल की कोशिशें करने इंटे अंदर एफर्ट देने गए, बाकी ये एडे चिर की प्रॉब्लम ही कि इन्हें दसा जिन्हों का ना लिया, साढ़े मास्टर ध्यान चंद हो रहे, दो बारी तो सरपंच रहे इस पंचायत, उन्हें बड़ी कोशिश की, तो अज भी जो कोशिश इन्हें की है इनका कोई मुकाबला नहीं है, इनकी ढेर सारिया जड़िया मुश्किल आई, लेकिन नहीं प्रवाह करते हुए इन्हें वो पूरा किया। और ये वास्ते अस इनकी पूरी टीम का बड़े तह दिल करने, मेरे बाजार के लोग सारे तह दिल करने इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं याद करता हूँ आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, उनके जयंती के मौके पे आज ये भी हमें मौका मिला, और रेस्पेक्टेड हमारे बीच में हमारे सीनियर सरपंच प्रीतम सिंह जी, और यहाँ के सरपंच मौजूदा मिस्टर राहुल हंस जी, और बजा की उनके नायब सरपंच, और सांझी मोड़ के जितने हमारे मौजूद लोग हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे उन्होंने बुलाया, मैं काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि सांझी मोड़ एरिया इतना तरक्की करता जा रहा है, उसके साथ साथ काफ़ी सालों से जब भी हम इधर से गुजरते थे, हमारा मेन अड्डा इस एरिए का, और मन में यही था कि
यहाँ पर कोई पैसेंजर शेड हो, फ्लैश बाथरूम हो, लेकिन काफ़ी सालों से हम मन में ऐसा सोच थी लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन इसका सिरे सारा हमारे राहुल हंस जी को हम देते हैं और प्रीतम सिंह को जी को, बाकी कोई हमारे कोई जितने भी सांझी मोड़ में दुकानदार हैं, जो हमारे सबका सरपंच जो जिनकी डेथ हो जाए, हमारे ध्यान सिंह जी, ध्यान चंद जी, बाकी और उन सबको मैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके ही विजन को आगे इन्होंने किया। मैं थैंक्स करता हूँ हमारे राहुल हंस जी का कि जिन्होंने इस जगह में जो चौक है यहाँ पर बहुत ज़रूरी था। और मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों ने इस लड़ाई में शामिल होने के बजाय, अपनी जमाबारी को निभाने के बजाय, उन्होंने इनको मतलब कि रुकावटें डालने की कोशिश की। इतनी रुकावटें होने के बावजूद भी इन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और इसको अच्छी तरह बनाया। मैं मुबारक देता हूँ एक बार दोबारा इनको, ये युवा सरपंच हैं, आने वाले दिनों में परमात्मा इनको और शक्ति दे और हिम्मत दे। और मैं उनकी टीम को भी मुबारक देता हूँ, सांझी मोड़ के लोगों को मुबारक देता हूँ कि इनका मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, ताकि इसी तरह और भी कई तरह के काम हैं वो भी समय पर हों। जय हिंद, जय भारत, जय सांझी।